गांधी का सपना था स्वच्छ भारत का, जहां पे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जिन पॉल की प्रिंसिपल मधु सिन्हा ने इसका बीड़ा उठाया। जहां पे स्थानीय कलेक्ट्रेट घाट का विगत कई दिनों से साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं आज रंग रोगन का कार्यक्रम करते देखने को मिला। जॉन पॉल हाई स्कूल आरा के द्वारा संकल्पित कलेक्ट्रेट तालाब घाट के सफाई अभियान के क्रम में घाटों की रंगाई एवं पुताई के कार्य का शुभारंभ विद्यालय के निदेशिका सह प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा भाजपा डॉक्टर श्रीमती मधु सिन्हा के द्वारा किया गया। ज्ञात हो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विद्यालय के कलेक्ट्रेट घाट की सफाई का पूरे वर्ष के लिए संकल्प लिया गया था। CBSE पटना के घटक संस्था पटना सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा 150 विद्यालय द्वारा पूरे पटना एवं झारखंड में सामुदायिक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसी के तत्वाधान में इस विद्यालय ने शहर के ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट तालाब को चुना है और यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर विद्यालय के सामाजिक लोगों भी इस अभियान में शामिल हो गए हैं। ये हमको पता चला, भैया जना शंभू जी बताए, हम कहे कि भाई बहुत बहुत इसके लिए भाई धन्यवाद के पात्र। अब आपके मन में ये आया कलेक्ट्रेट घाट का पूरा रंग रोगन का कार्य शुरू किया जा रहा है। स्कूल की तरफ से एक सराहनीय पहल है और आप एक स्कूल से जो भाजपा के प्रदेश मंत्री भी हैं, तो ऐसे में जो आपको सहयोग नगर निगम या आम लोगों से मिला था वो नहीं मिला, आप अपने द्वारा करवा रही हैं, तो कैसा लग रहा है ये बताइए। देखिए, ये काम तो मतलब श्रद्धा से किया जाता है और अभी मैं पूरी तरह से सोच के यही रखा है कि समाज सेवा में लग जाएं, तो अभी तक तो हम स्कूल की प्राचार्या बन के थे, अब डायरेक्टर हो गए हैं तो थोड़ा सा लोड कम हो गया है, फिर भी स्कूल देखते देखते हमें अब समाज सेवा भी करना है। और ये जो इतनी खूबसूरत जगह है कलेक्ट्रेट, तो इसका हम लोगों ने जिम्मा रखा है कि साल भर तक इसकी सफाई करके देखें कि लोग कितना इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इस समय से हमने शुरू किया है कि तो छठ का पर्व है, तो इससे लोगों को फ़ायदा हो, जो खुद सफाई करते हैं तो हम लोग मिल के कर लें, और हमारे कर्मचारी विद्यालय के सारे कर्मचारी पूरे, चाहे वो शिक्षक गण हो या फिर सफाई असर सफाई करने वाले हैं, वो सब मिल के कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से क्या आह्वान करेंगी, क्योंकि ये एक आंदोलन की तरह है। देखिए, जब हम करने लेंगे सबसे पहले तो हमें अपने घर से कोई काम शुरू करना चाहिए, जब हम करेंगे तो लोग देखा देखी सभी आएंगे और सभी चाहेंगे कि हम इसे साफ रखें। ऐसे हम लोगों ने गांधी जयंती के अवसर पर एक प्रण किया है कि साल भर तक एक सामुदायिक सेवा में हम लोग जुड़े रहे, और जो स्वच्छता अभियान होनी चाहिए उसे हम लोगों ने करने के लिए ठान रखा है। और 150 दिन मतलब साल भर में हम लोगों ने ठाना है कि सफाई करें, और यही एरिया हम लोगों ने चुना है कि ये एरिया पहले हम लोग संभाल लें, इसके बाद इसमें थोड़ा सा प्लांटेशन वगैरह करा दें, अच्छा माहौल क्रिएट कर दें यहाँ पर। तब से ये पहल किया जा रहा है जो कलेक्ट्रेट घाट की साफ सफाई संतरंग रोगन का कार्य, कितना इसे आप सराहनीय समझते हैं, क्योंकि ये कार्य निगम का होना चाहिए लेकिन एक स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। बात आपका यह सवाल जो है बिल्कुल सत्य है कि ये कार्य तो निगम के जिम्मे जाता है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सारे लोगों का दायित्व बनता है, और इसमें जीन पॉल के जो डायरेक्टर हैं अथवा प्रिंसिपल हैं मधु सिन्हा जी का ये भूमिका देख करके घाट की सर सफाई व्यवस्था, रंग रोगन की व्यवस्था, ये एक अच्छा कदम है। हमने इस बात को मैंने कि सार्वजनिक रूप से सराहने का काम किया है, आज सचमुच में ये सराहनीय कार्य है। हम सारे लोगों को इनके साथ मिल करके कंधा से कंधा मिला करके इस कार्य में सहयोगी बनना चाहिए, और यही आशा मैं पूरे आरा की जनता से करता हूँ कि सारे लोग मैडम के कंधे से कंधे मिला करके इनके इस पुनीत कार्य में सहयोग करें,
जाते हैं। ओर से कलेक्ट्रेट घाट की सफाई 2 अक्टूबर को जो प्रण लिया गया था, आज रंग रोगन किया जा रहा है, जो कि कार्य ये निगम का होना चाहिए। और छठ का ये कलेक्ट्रेट घाट काफ़ी लोगों की आस्था का केंद्र भी है। बताइए, देखिए आपकी बात जो है छठ की बात, वैसे भी हम इन दिनों देख रहे हैं जिम पॉल की एक्टिविटीज़, वो काफ़ी समाज में इन्वॉल्व होकर करने का इनका चल रहा है इधर प्रयास। साथ ही देखिए वेलफेयर में हर कमाने वाले को ये चाहिए कि वेलफेयर पर कुछ न कुछ खर्च करें, वो जिम पॉल इस चीज़ को कर रहा है और हम लोग देख रहे हैं। रही सवाल समाज में योगदान की, तो हर आदमी का ज़रूरत है कि आज लोग नगर निगम की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं। मैं साथ साथ ये मानता हूँ कि सरकार और निगम के अलावे जनता को सहयोग, जनता की सहयोग अगर नहीं होगी तब तक कोई भी काम पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। और जिम पॉल के परिवार और जिम पॉल के डायरेक्टर मधु सिन्हा, टीचर उसके प्रधानाध्यापक शंभू जी का प्रयास है कि समाज को लेकर हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस कार्य में जोड़ने का प्रयास किया है और हम लोग जुड़कर इनका साथ दे रहे हैं और ये बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। ये छठ पूजा से ही केवल मतलब नहीं है, हम इस तालाब की जीर्णोद्धारण, चूँकि ये ऐतिहासिक तालाब है और ये ढंग से रहेगा तो हमारे शहर का एक रौनक बढ़ेगा और यह एक ऐतिहासिक स्थल का पुनर्जीवित होगा जो मरने के कगार पर आ गया है। अब इसके लिए मैं पुनः जिम पॉल को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ शंभू जी को और मधु सिन्हा को। सर, आज स्कूल की तरफ से जो विगत 2 अक्टूबर को प्रण लिया गया था, आज कलेक्ट्रेट घाट के रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है, कराया जा रहा है। ये हम लोगों का कार्य जो महात्मा गांधी के जन्मदिन 150वीं जयंती मनाया गया, उसी दिन से एक प्रण लिया गया था कि पूरे वर्ष तक हम लोग घाटों की सफाई में और इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसी क्रम में क्योंकि छठ पूजा का दिन आ गया तो हुआ कि मतलब इसके पूरे चारों तरफ से घाटों की यदि रंगाई हो जाए तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और इससे लोग जो सामाजिक लोग हैं वो लोग में भी एक जागरण का की प्रवृत्ति डेवलप होगी और वो लोग भी इस कार्य में लगेंगे तो पूरे वर्ष तक धीरे धीरे ये यहाँ का विकास होगा और साफ सफाई रहेगी तो ये अच्छा है। पर्चे बता दीजिए सर। शंभुनाथ मिश्र।